दिया कुछ हमारा लेफ्ट साइड से भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों अभी हम साइड की सीट लगा रहे हैं और जैसे टेम्परेचर से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अच्छा। काफ़ी क्या, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। ये बहुत अच्छा है और इस काम से हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शौकीन रूफिंग इंडिया में। दोस्तों मैं आज आपको लेकर आया हूँ एक नई साइट पर। यहाँ पर इनका ड्रम का तेल का काम है, सेंट परफ्यूम वगैरह बनाते हैं और काफ़ी हीट होती है यहाँ पे। हमारे तीसरे फ्लोर पे शेड है तो हम इसमें एयर बबल हीट इंसुलेशन शीट लगा रहे हैं। कुछ मेरे कैमरामैन लेफ्ट और राइट में आगे की तरफ जाकर आपको पूरा शेड, इसमें आपको अपना मटेरियल भी दिखाना चाहूँगा। ये दोस्तों हमारे पूरे रोल होते हैं एल्युमिनियम फॉइल के। ये दोस्तों डबल एल्युमिनियम फॉइल शीट होती है और कुछ सैंपल्स वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा। सो गाइस ये जो सीट है डबल साइड बोथ साइड एल्युमिनियम फॉइल होती है और दोस्तों इसके अंदर एयर बबल होते हैं जिससे कि हमारी जो शेड की जो हम शीट शेड के नीचे लगाते हैं इसको, इससे कि हमारी हीट में काफ़ी फर्क होता है। और जैसे इनका ऑयल का काम है, इधर हीट बहुत ज़्यादा होती है। अब इसमें लेबर काम करने में बड़ी परेशानी होती है, बट अब ये लगने के बाद एक सुंदर भी आपको अंदर से महसूस होगा और अंदर गर्मी का भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। सो गाइस फाइनली जैसे ही कैमरामैन मेरे ऊपर की तरफ आपको दिखाएंगे, दोस्तों ये ऊपर की तरफ कैमरे को लेकर जाएंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हमने कल ये दो ट्रस्ट में इंस्टॉलेशन शीट लगा भी दी थी और बाकी हमारा पोर्शन हाफ बचा हुआ है। तो गाइस फाइनली जैसे ही कैमरामैन ऊपर की तरफ दिखाएंगे, टॉप हमारा लग चुका है और मैं अपने राइट में कुछ साइड से आपको दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों देखिए ये हमारी साइड की वर्टिकल जो है शीट हमारी अभी लगने लग रही है और कुछ हमने एक साइड से कवर भी कर दिया, कुछ हमारा लेफ्ट साइड से भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों अभी हम साइड की सीट लगा रहे हैं और जैसे ही कैमरामैन मेरे लेफ्ट में दोबारा आके कुछ सीट आपको जूम करके दिखाएंगे। दोस्तों ये साइड हमने पूरी क्लियर कर दी है, अभी कुछ बैक का पोर्शन बचा है उसको कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली जैसे ही कैमरामैन मेरे बैक से और आपको पूरा इंसुलेशन दिखाएंगे, दोस्तों हमारी सारी इंसुलेशन शीट कंप्लीट हो चुकी है। हमने जो काम किया है कुछ टेम्परेचर में कुछ इनको फ़र्क महसूस हुआ नहीं हुआ या अपने काम के बारे में? आइए सर जी, जल्दी बस नहीं आपका इस काम से टेम्परेचर से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। काफ़ी क्या, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। ये बहुत अच्छा है और इस काम से हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे लड़के काम करते थे यहाँ पे, हमारी वर्कमैनशिप जो थी उसमें कुछ आपको परेशानी, जैसे आपके ड्रम वर्म थे? नहीं नहीं नहीं, जो भी हमारा सामान था या जो आपके वर्कर्स थे उन्होंने अपने आप ही सारा चीज़ हटाना रखना करना, टाइम से आना जाना, किसी बात को लेके कभी भी आज तक जो भी जितने दिन भी आपके लड़के ने काम किया कोई ऐसी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत अच्छा। सर वैसे जो हमने जैसे आपकी इंसुलेशन दी, जैसे आपका ऊपर तेल का ड्रम का काम है तो काफ़ी गर्मी होती थी पहले, यहाँ पे बंदे खड़े नहीं हो पाते थे। अब जैसे गर्मी का महीना है तो उसमें अभी आप जो टेम्परेचर महसूस कर रहे हैं, जैसे आप इसको यूज़ कर रहे हैं, उसमें कितना फ़र्क आया? इसमें तो देखो फ़र्क तो कम से कम 100 में से 85% आ चुका है। ठीक है, काफ़ी फ़र्क आया इससे। पहले हम यहाँ पे खड़े भी नहीं हो पाते थे और यहाँ तक कि घुस भी नहीं पाते थे, आज हम यहाँ पे खड़े रहते हैं, बैठते रहते हैं, बातें भी करते हैं, हमें ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि मतलब हम सेट के नीचे खड़े हैं। तो गाइस जैसे ही मैंने आपको बताया था ये हमारी जो हीट इंसुलेशन सीट होती है एयर बबल डबल फॉइल एल्युमिनियम फॉइल डबल एल्युमिनियम फॉइल सीट है, दोस्तों इसको लगाने से काफ़ी राहत मिली है, काफ़ी क्लाइंटों को हमने लगाई है। तो सजेस्ट करता हूँ जब भी आपके शेड में गर्मी महसूस हो तो शौकीन रूफिंग इंडिया की टीम को प्लीज़ बुलाएं। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा काम आपको अच्छा लगे, पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए।